आरएसएस प्रमुख और सीएम योगी का मथुरा मंथन, मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच हुई मुलाकात, उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच हुआ मंथन, उपचुनाव में भाजपा के लिए जमीन मजबूत करेगा आरएसएस। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वहीं सपा पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लगी है और रणनीति बनाकर भाजपा को एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह शिकस्त देने की कोशिश में है। लेकिन इस बार भाजपा भी कम नजर नहीं आ रही है। सूबे का सियासी तापमान अब चुनावी हो चला है और इसी चुनावी माहौल में सियासी तपिश बढ़ा दी है एक मुलाकात ने। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मथुरा में मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात उपचुनाव में भाजपा के लिए जमीन मजबूत करेगी। मथुरा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने, बूथ प्रबंधन, सभी वर्गों के वोटरों को एकजुट करने सहित कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ये बैठक करीब 45 मिनट तक चली। सियासी दृष्टिकोण से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में बढ़ी दूरियों को कम करने का भी प्रयास हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बैठक में क्या बातचीत हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों का मानना है कि यह निमंत्रण महज औपचारिकता है। दरअसल यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को सीएम योगी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। उपचुनाव सीएम योगी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये उपचुनाव पूरी तरीके से सीएम योगी का चुनाव है। यही वजह है कि सीएम योगी एक तरफ जहां उपचुनाव वाली हर सीट पर नजर रख रहे हैं, रणनीति तय करने से लेकर प्रचार के मोर्चे तक सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी और संघ के बीच समन्वय को लेकर भी खुद ही फ्रंट पर आ गए हैं। चर्चा है कि संघ प्रमुख के साथ मुलाकात के दौरान सीएम योगी की संघ और बीजेपी में समन्वय पर भी बात हुई है। जाहिर है हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार संघ ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा था, उसी तरह का सहयोग इस बार यूपी के उपचुनाव में भी देने का आश्वासन दिया गया है। खबरें हैं कि संघ प्रमुख ने योगी को आश्वासन दिया है कि संघ के कार्यकर्ता उपचुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आरएसएस का साथ भाजपा को उपचुनाव में कितना फायदा दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।